हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो, निफ्टी कल कहाँ पे ओपन हो सकता है या क्या कर सकता है, एनालिसिस करते हैं। पहले वीकली का एनालिसिस करते हैं। चलो पहले मंथली का कैंडल देख लेते हैं एक बार। अगर मंथली का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने कम से कम 1, 2, 3, 4 महीने भी जहाँ पे रेंज बनाया है, इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और अच्छी खासी मंथली में कैंडल क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो मार्केट का पॉजिटिव फिलहाल तो सेंटीमेंट ही मान के पॉजिटिव सेंटीमेंट मान के चलेंगे। अभी देखते हैं वीकली में मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। वीकली में ये जो रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए, यहाँ पे मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और अभी जो इलेक्शंस चल रहे थे उसका भी आउटकम आ जाएगा। तो मार्केट अभी कल मोस्टली जो भी मार्केट का सेंटिमेंट रहेगा सॉरी वो पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा और मार्केट टेक्निकल से ज़्यादा सेंटिमेंट में ट्रेड करने वाला है कल मार्केट। तो अभी वीकली में भी अच्छी खासी कैंडल दिख रही है क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है मार्केट ने कंटिन्यूसली कम से कम 1, 2, 3, 4 ये 4 वीक जो है मार्केट ने पॉजिटिव, और ये 5वां वीक है जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस बुलिश साइन दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट जो कल वीक शुरू हो जाएगा वहाँ पे मोस्टली क्या हो सकता है, यहाँ पे एक मार्केट पॉजिटिव कैंडल देखे, मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, लेकिन जो क्लोजिंग वीकली की जो क्लोजिंग आ सकती है वो एक डोजी टाइप की क्लोजिंग हमें मिल सकती है यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट वीक में मार्केट मूव कर सकता है, सॉरी, क्योंकि अभी मार्केट पूरा न्यूज़ बेस न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। इस वजह से हम मान के चल सकते हैं कि कल अगर गैप अप होता है तो मार्केट गैप अप खुल के वोलाटाइल भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है और बीच में कहीं पे जाके क्लोजिंग दे सकता है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि मार्केट में न्यूज चल रहा है। सॉरी, थोड़ी सी खांसी है, तबीयत खराब है। अभी देखते हैं चलो डेली में मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट ने डेली में भी अच्छी क्लोजिंग दी है, ये जो रेजिस्टेंस था मार्केट के पास ऑल टाइम हाई का, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अभी इंट्राडे के लिए मैंने फ्राइडे के दिन ही जो लेवल्स दिए थे उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने वो हटाया नहीं है, वो उसको हाइड कर दिया था मैंने, उसको ओपन कर देते हैं। तो मैंने क्लियरली टेलीग्राम अकाउंट जो है मेरा उसमें क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल सकता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में जिसमें हमने 20 से 25 पॉइंट पकड़े, फिर मार्केट साइडवेज जाके ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अभी कल अभी नया ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा दिया है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव ही दिख रहा है क्योंकि एजीएक्स जो निफ्टी है हमारा वो 20,353 के ऊपर क्लोज दिया है। तो हो सकता है कल मार्केट में गैप अप भी हो जाए। तो मार्केट के लिए अभी ऊपर के साइड के जो लेवल है, मैंने ऊपर के लेवल्स निकाले हुए हैं आने वाले टाइम में। हम एक मिनट देखा था मैं आपको कहाँ तक हम जा सकते हैं।
तो आने वाले टाइम में हम 20,686 ये हमारा टारगेट हो सकता है, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद अगर देखेंगे सेकंड टारगेट, क्या हो रहा है भाई, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 20,800। उसके बाद में ये थर्ड टारगेट है 21,100। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये जो टारगेट निकाले हैं ये एक तरह से मुझे अगर पोलर फ्लैग दिख रहा है, अगर डेली में भी अगर देखेंगे, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया भाई पोलैंड फ्लैग, ये अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। ये अगर फ्लैग पकड़ेंगे इस तरह से, और ये पोल अगर पकड़ेंगे तो इसका हम जितना ये टारगेट निकल के आ रहा है ये ऊपर की साइड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो कम से कम 23,000 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है वीकली का। लेकिन ये इमीडिएट तो नहीं आने वाला है, अभी ऊपर की साइड में प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कल के लिए। मार्केट तो मोस्टली गैप अप ही खुलने वाला है कल। तो अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप अगर खुलता है 300 के आसपास या 350 के आसपास, तो हम मार्केट का रिटेस्ट करने तक का वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट एक बार रिटेस्ट हो जाए तरह से, और फिर अगर ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में पोजीशन लेंगे पॉजिटिव साइड के लिए। कॉल साइड के लिए लेवल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लेवल आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो टेलीग्राम का क्यूआर कोड आ रहा है उसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वो क्लिकेबल नहीं है अभी तक, इसलिए आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ओपन नहीं होगा। चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, वीकली में ये देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका है। बैंक निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये वाला जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है बैंक निफ्टी की वीकली में। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई जो है ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको टच कर सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ से फॉल आ चुका है ऑल टाइम हाई के पास से, सेकंड टाइम टच करके भी फॉल आ चुका है, अभी थर्ड टाइम मार्केट टच करने जा रहा है ऑल टाइम हाई। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा अभी यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आके अगर वेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो हम पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड लेंगे। मार्केट का सेंटिमेंट टोटली पॉजिटिव है फिलहाल के लिए। तो चलो देखते हैं इंट्राडे में, डेली में भी देख लेते हैं एक बार।
डेली में जो कैंडल दिख रही है ये कम से कम 1 वीक का जो ब्रेकआउट था, ये कंसोलिडेशन था बैंक निफ्टी का, उसका ब्रेकआउट देख के ये पॉज कैंडल बना के फिर पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है हमें डेली डेली में भी। और ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी रेजिस्टेंस के पास ही है, इसके ऊपर अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो हम बाइंग की साइड ही पोजिशन बनाएंगे। अभी देखते इंट्राडे के लिए कौन से लेवल हो सकते हैं। मैंने लेवल मैंने मार्क करके रखे है, इसका भी मैंने टेलीग्राम में फ्राइडे के दिन ये वाले लेवल मैंने मार्क करके अपडेट कर दिया था कि हमें बैंक निफ्टी में 600 के ऊपर ही पोजीशन बनाना है। तो ये वाला जो मूव है ये पूरा मैंने अपडेट कर दिया था, ये 600 से लेके 44,900 तक मार्केट गया था। अभी कल के लिए अगर फ्लैट खुल के मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग के साइड में पोजीशन बना सकते हैं। ये 45,000 तक पहला टारगेट रहेगा, या अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ही है, अगर यहाँ पे 45,000 के आसपास ही मार्केट अगर ओपन होता है और यहाँ पे कुछ वेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो 45,000 के ऊपर ही हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर ये वाला आपको अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में कल का इंट्राडे का, क्योंकि मार्केट कहाँ पे पॉजिटिव ही ओपन होने वाला है मोस्टली, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, न्यूज़ बेस मार्केट चलने वाला है कल, सेंटिमेंट पे ट्रेड करने वाला है मार्केट कल। लेवल्स अब अगर अभी बोल भी दिया मैंने तो भी मार्केट लेवल टेक्निकल, मोस्टली टेक्निकल बोलते हैं जिसको, टेक्निकल ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा, सेंटिमेंट फॉलो करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये जो स्क्रीन पे आपको QR कोड दिख रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, उसमें मैं लाइव में अपडेट देते रहता हूँ। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।